7,36,423 crore रुपए अते वित्तीय साल। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विधानसभा दे विच साल 2024-25 दे लई सूबे दा 2,00,000 करोड़ रुपए तो वध दा बजट पेश कीता है, जिस दीआं तारीफां खुद वित्त मंत्री हरपाल चीमा करदे नजर आए। चीमा दा कहना है कि इस बार फिर तो बजट बनाउंदे समय उन्हां ने सिख्या, सेहत, खेतीबाड़ी, उद्योग वर्गे सारे खेतरां नूं ध्यान विच रख्या है, जिस दा लाभ पंजाबियां नूं मिलेगा। देखिए, ये लगातार तीसरी बार भी हमने लोक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। लगातार हमारी टैक्स की कलेक्शन है जो 13% से ज़्यादा जो बढ़ रही है। पिछली सरकारों में कभी 6% कभी 8% रहता था, तो हमने 13% से ज़्यादा का आंकड़ा इस बार भी पार किया है। सो इससे पता चलता है कि पंजाब में एक नेक नीति वाली एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। हमने इस बार फिर एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, सभी वर्गों को, इंडस्ट्री को, सबको ध्यान में रख के ये बजट तैयार किया है। सो एक बड़ा मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में जो पंजाब के लोगों को लाभ होगा। लगातार हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनते रहेंगे। इस बार हमने नया स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, स्कूल ऑफ ब्रिलियंस इनको हमने नया जो है वो शामिल किया है। सो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ जो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको मिलेगा।